वोगेदा नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, वेलकम ईच वन ऑफ यू। सो फाइनली आपके एफआर के पेपर हो गए होंगे जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। मैंने ये वीडियो उसके पहले ही रिकॉर्ड कर दिया तो मुझे नहीं पता है आपके पेपर कैसे गए हो, बट मैं अज्यूम करता हूं, आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे गए होंगे आपके पेपर। जैसे भी हुए हो, प्लीज अपने कॉस्टिंग की भाषा में, जैसा अपन बोलते हैं, इट इज अ संक कॉस्ट, जो बीत गया सो बीत गया। अब अपना फोकस होना चाहिए एएफएम के ऊपर। हाँ, एक चीज खाली नोट कर लेना कि एएफएम से आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि एफआर के पेपर से आइडिया आ जाएगा कि भाई एमसीक्यूज वो क्या लेवल के पूछ रहा है, मतलब एकदम अंदर अंदर से पूछ रहा है या इंस्टीट्यूट ने खुद के बीओएस पोर्टल वाले जो थे या खुद के मॉड्यूल वाले जो थे वही वाले एमसीक्यू पूछे या अच्छे लेवल के पूछे, उससे थोड़ा आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि एएफएम में भी क्या होगा। एनीवेज, अभी अपने पास तो 1.5 डेज है प्रिपरेशन का, जो मेहनत करनी थी अपन कर चुके, बस अब उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, काम रहना है, फोकस्ड रहना है, सो दैट वी कैन गिव इट आर बेस्ट इन दिस 1.5 डेज। सो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ये 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी, क्या रिसोर्सेज आप लोगों को यूज करना है, एंड मेरे मैराथन बैच में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग के लिए कमेंट्स बॉक्स ओपन है इफ यू वांट एनी चैप्टर ऑन प्रायोरिटी। आपको लगता है कि सर ये वाला प्लीज करवाना ही करवाना, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स सो दैट आई कैन डू दैट इन बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। सो एक थियोरी के लिए 15 पेज थियोरी 1 आवर में जो मैं करवाता हूँ उसके लिए काफी डिमांड है, तो उसके अलावा भी आप लोगों को कुछ और हो तो बताओ, वो भी चीज हो तो कमेंट पे यू कैन टेल मी। तो सबसे पहला चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है रिसोर्सेज के बारे में। तो गाइज, मैंने जितने भी रिसोर्सेज है ना उसको एक गूगल ड्राइव पे कंपाइल कर लिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और ये गूगल ड्राइव का लिंक मैं अभी का अभी शेयर कर रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को कमेंट्स में मिल जाएगा, सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन एंड वहां से यू विल गेट ऑल ऑफ द रिसोर्सेज विच आर सीन हियर। तो क्या क्या मैं रिसोर्सेज दे रहा हूँ यहाँ पे तुम लोग को, जितने भी एमसीक्यूज है, मैजिक रिविजन है, थियोरी, फॉर्मूला शीट, कैलकुलेटर ट्रिक्स, चाय विद एएफएम, सुपर 64 एएफएम, सारी चीजें इस चीज में आपको मिल जाएगी। एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू लिंक बॉक्स। तो ये देखो, यहाँ पे जितने भी मेरे सेशंस है जो आपको यूजफुल होने वाले हैं एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कंपाइल कर लिया है। आपको खाली वो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, क्लिक करना है, जो भी आपको चाहिए, आपको रिवीजन लेक्चर्स चाहिए, आपको रिवीजन स्ट्रेटजी चाहिए, सुपर 60, आईसीआई कंपाइल्ड क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी डिस्कशन, शॉर्टकट कैलकुलेटर ट्रिक्स, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन शेयरिंग दिस ऑन योर टेलीग्राम चैनल। सो ये हो गया मेरे रिसोर्सिस के बारे में। तो जितने भी पीडीएफ्स है वो मेरा गूगल ड्राइव का लिंक, जितने भी लिंक्स है मेरे लेक्चर्स के उसको क्लिकेबल फॉर्मेट में एक वर्ड डॉक्यूमेंट में दे रहा हूं। तो ये दो चीजें हो गई रिसोर्सेज के बारे में। मैराथन लेक्चर का अपडेट मैं दे देता हूं कि 7 PM से अभी का अभी अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो एक घंटा आराम करके तैयार हो जाओ फुल फोकस के साथ, यू नो के मेरा मैराथन लेवल क्या, मेरा मैराथन लेक्चर क्या लेवल का होता है। वी डू वेरी थरो मैराथन रिविजन एंड मजा आएगा आपको, स्पेशली अगर आप SCPM में SCMP में बैठे हो तो यू वुड नो इट। एंड अदर देन दैट ऑल्सो आई कैन अश्योर यू दैट इट इज गोइंग टू बी इंटरक्टिव एट द सेम टाइम वेरी यूजफुल फॉर योर प्रेपरेशन पर्पज। मैंने फिलहाल सोच के रखा है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, एडवांस कैपिटल बजटिंग, फॉरेक्स डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, ये सब चैप्टर्स में कवर करने का प्लान कर रहा हूँ। बाकी जैसा मैंने बोला आप लोग बता सकते हो आपके कमेंट्स बॉक्स के थ्रू। एंड लास्ट है मेरा 1.5 डेज का रिविजन स्ट्रैटेजी, जिसके लिए मैंने ये पीडीएफ बनाया है आप लोग के साथ। ये पीडीएफ मैं शेयर करूंगा, अगेन ये वाला जो मैंने आप लोगों को गूगल ड्राइव लिंक के बारे में बताया था, इसमें ये वाला पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, सो नॉट टू वरी एट ऑल। नाउ दो आप लोग के चैप्टर्स है, तो मैंने ना यहां पे उसका एक सीक्वेंस बता दिया है कि भाई ये सीक्वेंस में पढ़ो आप। पहले इजी चैप्टर से अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो म्यूचुअल फंड से ना एक स्टार्ट मिल जाता है, इजी चैप्टर है और मजा भी आता है करने में, कॉन्फिडेंस भी रहता है, तो एक स्टार्ट मिल जाएगा, राइट? वो एक स्टार्ट मिल गया ना, फिर बाद में ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें होती जाएगी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैंने सेकंड लिया है और मर्जर्स एंड एक्विजिशन मैंने थर्ड लिया, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मर्जर्स एंड एक्विजिशन है इसमें से 10-10 मार्क का आने ही वाला है। तो अगर अश्योरिटी है अपने को ये दो चैप्टर्स का कि आने ही वाला है, तो प्लीज उसको अपने को पहले पिकअप कर लेना चाहिए, फिर बाद में उसी हिसाब से मैंने सीक्वेंस दिया है। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। मैंने लास्ट में रखा है यहाँ पे
जो मेरा थ्योरी है। तो अभी थ्योरी को आप लोग टच भी नहीं करेंगे, या तो कल रात को, मतलब एग्जाम आप लोग अभी आज एफआर का देखे, या तो कल रात को या फिर परसों सुबह करोगे तो भी हो जाएगा। मेरे सब चैप्टर्स के थ्योरी के एक एक घंटे के लेक्चर्स है, उसको आप फास्ट पेस पे देख लेना, या फिर एग्जाम के पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ 1-1.5 आवर में पूरा का पूरा थ्योरी आप लोगों को करवा के दे दूँ, वो देख लेना, दैट शुड बी सफिशियंट। सो एटलीस्ट इधर टाइम बचा के फॉरेक्स, डेरिवेटिव, एनसीक्यूज, ये सब के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेना, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखना हर एक क्वेश्चन का समरी बना के आना है। जी हाँ, क्यों बना के आना है समरी? बिकॉज उससे आपको एक स्टार्ट मिलेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि यार बंदा प्लानिंग करके आया है। सेकेंड, आंसर द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स। ठीक है, कई बार अपन लोग डायरेक्टली आंसर के ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं यूजिंग द कैलकुलेटर, डोंट डू दैट मिस्टेक। स्टेप बाय स्टेप बताओ उसको, स्टेप का मार्क्स होता है। ठीक है, सो प्लीज स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करो, आप लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस आएगा। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सीधा भागो मत, पहले पढ़ लो क्वेश्चन को ध्यान से, समझ लो रिक्वायरमेंट, एंड देन फ्रेम योर आंसर्स। राइटिंग हैबिट रखो, मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी एग्जाम के टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा लिखते रहना। मैं मैराथन में भी ट्राई करूंगा तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा लिखवाते रहो फॉर्मुलाज एंड एवरीथिंग, सो दैट एक मोमेंटम बना रहे। मैजिक बुक कर लेना फॉर पॉइंट वाइज थियोरी एंड फॉर्मुलाज, एंड एक टेस्ट आप लोग ने लिख लिया होगा, उसको खाली एक बार गो थ्रू कर लेना। थिंग्स टू डू, नेक्स्ट डे का प्लान रेडी होना चाहिए आप लोगों के पास। बैकलॉग मत रखना टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, ये तो मैंने इन जनरल एक पॉइंट बोला था। यूज कैज एन अप्रोच, धीरे धीरे ब्रेक डाउन कर दो, एक साथ सोचोगे ना 15 चैप्टर करना है तो एकदम टेंशन आ जाएगा, तो प्लीज टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करोगे। भाई चलो आज मेरे को 3 चैप्टर करना है, कल तक मेरे को और 4 चैप्टर करना है, फिर मेरे को और 3 चैप्टर करना है, सो सिस्टमेटिकली वैसे हो जाएगा। जो वो दोनों ग्रुप दे रहे हैं प्लीज आप लोग मैजिक बुक का रिविजन रिफर करना, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, एग्जाम के टाइम पे आप लोग का सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स ये होना चाहिए, एंड मैंने साथ में टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया है, प्लीज आप लोग इसको फॉलो करो। अप्रोक्सीमेटली 26 आवर्स का ये ड्यूरेशन है, एंड दैट इज द टाइम दैट वी हैव, 1.5 डेज जो अपने पास है वो इसमें आपका चीज कवर हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो प्लीज अराउंड 2 आवर्स मैंने रखा है थियोरी के लिए, बाकी सब के लिए मैंने 24 आवर्स रखा है, एंड वी हैव दैट मच टाइम, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। प्लस मैं इसमें आप लोग को अच्छी नींद भी दिलवा रहा हूँ, सो टेंशन की बात नहीं है। अब ये पीडीएफ आप लोग रिफर कर लेना, इसमें मैंने, मुझे जो लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है वो सारी चीजें लिख दी है। आई डोंट नो व्हाट विल कम, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग। कल मैं ट्राई करूंगा इवनिंग टाइम पे, नाइट टाइम पे, top 3 क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं दैट आई विल पुट फॉर यू, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं 7 बजे, टाइम फॉर मी टू से आस्ता ला विस्ता, स्टे पॉजिटिव, आई एम श्योर पेपर्स वर गुड, हाउस एवर इट वॉज फॉर FR, प्लीज साइड पे रख के अब आने वाला फोकस करो, ये आप लोग को ग्रुप पूरा क्लियर करवाएगा, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट वे यू कैन स्कोर द मैक्सिमम। कीप स्माइलिंग, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं 7 बजे।